वो एक स्टबर्न किड की तरह है, मतलब एक जिद्दी बच्चा है, एक इतना पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, बात आती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करते हैं, वो शख्सियत अपने आप में बेहद ही खास होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शफकान आलम, एंड आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एंड हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि माइंडसेट क्या होता है, एंड माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स का माइंडसेट होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो, ओके? एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कोई वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, एंड उसके साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा इनकम आप करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ गाइड आपको मिल जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हो किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, ओके? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्शियस माइंड क्या है। देखो, जो भी हम जानबूझकर करते हैं दैट इज कॉन्शियस माइंड, जिससे हम अवेयर होते हैं वो कॉन्शियसली हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड सबकॉन्शियस का मतलब है हमारे बॉडी के लेवल पे, हमारे माइंड के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें 99.99% जो भी प्रोसेस चल रही होती है वो सबकॉन्शियसली हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सांसें चल रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, एंड हमारा इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, ये सारी चीज़ें काम कर रहा है सबकॉन्शियसली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली होता है। अब हम समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है ये लिमिटेशंस में काम करता है, ठीक है, लिमिटेशंस में सोचता है और ये लॉजिकली सोचता है। बट सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता, डे और नाइट में कोई डिफरेंस नहीं पता, राइट और रॉन्ग में कोई डिफरेंस नहीं पता, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, उसे मैन वूमन में कोई डिफरेंस नहीं पता। वो एक स्टबर्न किड की तरह है, मतलब एक जिद्दी बच्चा है, एक इतना पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, बात आती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके? तो चलिए समझते हैं। देखो, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है? कोई भी चीज़ हम काम कॉन्शियसली हम करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है, ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है कि वो काम करने में हमें मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इरिटेशन हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर वही काम जिंदगी भर करते रहे तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट? अब अगर आप कोई भी काम कॉन्शियसली कर रहे हो बट सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपको वो करने में अच्छा लग रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया माय डियर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, आप उस ड्रीम्स के बारे में सोचते हो, एंड दूसरी तरफ आप सोचते हो कि उस आपके सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हो तो क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या फीलिंग्स हो रही है। तो अगर आप उस फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओ, चेंज कर पाओ, तो आप जीत गए। आप एक वीडियो गेम्स के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम में 50 लेवल होता है, मान लो 50 लेवल है, ठीक है, बट हम डायरेक्ट 50 लेवल के बारे में नहीं सोचते, हम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेवल हम खेलते हैं, हम सेकंड लेवल के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, राइट? तो जैसे ही हम फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करते हैं तो क्यूरियोसिटी आती है कि सेकंड लेवल पे जाएं, है ना? उसके बाद क्या होता है, सबकॉन्शियसली आप धीरे धीरे आगे लेवल पे जाते जाते हो। इसी तरह से अपनी लाइफ में भी हमें बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करने हैं, हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो जो भी आपका गोल्स है आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, ओके? तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है,
राइट, नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमें देखना है। जब हम उस स्टेप पे पहुंच जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब बात आती है यहाँ पे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स में सोचता है, वो लैंग्वेज नहीं समझता। एक जंगल था, ठीक है, एक जंगल था, उस जंगल में हाथी और उसका बच्चा दोनों जा रहे होते हैं, ठीक है। सो बेबी एलिफेंट जो होता है वो अपने हाथी से पूछता है कि बाबा एक बात बताओ, क्या हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं? तो जो हाथी होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर जंगल में जाते जाते थोड़ी दूर बाद, अब आप सोचो मैं आपको कहानी सुना रहा था, आप मुझे बताओ कि जैसे आपने कहानी सुनना शुरू किया आपके माइंड्स में पिक्चर बनने शुरू हो गए होंगे कि ऐसा जंगल होगा, ये हाथी होगा, उसका हाथी का बच्चा होगा, राइट। तो इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लैंग्वेज नहीं समझता, वो पिक्चर समझता है, ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हो वो काम आपको करने में अच्छा लग रहा है इमीडिएटली, राइट, एंड वो आपके आपके जो फीलिंग्स हैं वो आपके थॉट्स से भी कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपके फीलिंग आपके थॉट्स अलाइन हो गए हैं, तो फिर आप जीत गए। बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। एक बात तो पक्की है, इस दुनिया में जितने लोगों ने भी कुछ बड़ा किया है उनके थॉट्स और उनके फीलिंग्स दोनों अलाइन हो गए हैं। तो अगर आप अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को अलाइन कर पाओ तो आप जीत गए, आप बिना स्ट्रगल के, बिना किसी एफर्ट के लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की आगे वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने लाइफ में ग्रो करते रहो। ओके, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शफकान आलम साइनिंग ऑफ।